लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या उन जलीलों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने तुझे बेइज्जत किया? बेइज्जत कहाँ किया, ठीक ही तो कहा। मैं बेवकूफ 15 साल से उनके जिंदा रहने और लौटाने की उम्मीद में सुहागनों की तरह जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे क्या हक है ऐसी जिंदगी गुजारने का? माँ। हाँ बेटे, घर में जिस औरत का पति नहीं उसके लिए दुनिया में भगवान नहीं है। ये कुमकुम, ये सिंदूर उन औरतों को शोभा देता है जो अपने सुहाग के साए में जिंदा रहती हैं। हम जैसी औरतों को वाकई हक नहीं। आज उनके आने की आस छोड़कर मैं निशान मिटा देती हूँ, ये चूड़ियां तोड़ देती हूँ। अरे हटो, क्या हुआ? अरे हटो बाबा, अरे देख क्या रहे हो, पानी लगा रहे जल्दी से। बाबा कौन है ये बेचारा? पता नहीं, कोई बहुत दुखी आदमी है। सुबह शाम काम करता है, फिर एक कोने में पड़ा रहता है, किसी से कोई बात नहीं करता। रवि, क्या बात है माँ? रवि, ये तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी? हाँ। पिताजी, माँ की सारी जिंदगी का एक एक लम्हा कांटों पर गुजरा है। दिन रात लोगों की मजदूरी करके हम भाई बहन को पाला, और जब अकेली होती तो आपके इंतजार में रो रो के वक्त गुजारती। लगता है इनके आंसुओं को देखकर आज ऊपर वाले की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। दुनिया के तानों से तंग आकर माँ ने कुमकुम मिटा दिया। आज ये कुमकुम लगाकर माँ के माथे पर सुहागन होने की मोहर लगा दीजिए। वो सावित्री बड़ी तकदीर वाली निकली, उसका पति धर्ममूर्ति लौट आया। क्या? हाँ, धर्ममूर्ति लौट आया। अरे भाई, धर्ममूर्ति को मारो गोली। वो मेरे घर में जो मुसीबत की मूर्ति बैठी है, मेरी बेटी, उसके बारे में कुछ सोचो। वो उस कंबख रवि से बहुत प्यार करने लगी है, अगर उसके चक्कर में वो कहीं घर से भाग गई तो आपकी इज्जत का भटिंडा हो जाएगा। मुनीब, एक काम करो मेरे भाई। भाई? हाँ भाई, तुम फौरन बीनापुर जाकर वहाँ के जमींदार के बेटे के साथ हमारी बेटी का रिश्ता पक्का कराओ। आप इतनी इज्जत से भाई कह रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं, तो हम जरूर जाएंगे और शादी का लाल किला तैयार करवाएंगे। मौसा जी, ये क्या, मेरे होते हुए आप रेखा की शादी कहीं और कर रहे हैं? याद नहीं मौसी ने मरते वक्त मुझसे क्या कहा था? बेटा बुशी, बेटा बुशी। हा? अगर अगली बार तुमने कभी हा? ये कहा कि मौसी ने क्या कहा था, मैं कबूतर। पिताजी, अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है आपके नाम पर लगा हुआ बदनामी का दाग मिटाकर उन गुनेगारों और बदमाशों की असली सूरत सारी दुनिया के सामने पेश करो। ए नारायण दास, करो, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। मेरी बात का जवाब दे, वरना घुसे मार मार कर तुम्हारा सर सड़े हुए पपीते की तरफ फोड़ दूंगा। अरे क्या करते हो, गिरेबान पकड़ते हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा कि जिंदगी भर दूसरों को बर्बाद करने वाला जिंदगी के आखिरी दिनों में जूते खाकर मर रहा है। बताओ वो कौन औरत थी जिसने 15 साल पहले तुम्हारे कहने पर मेरे पिताजी को बदनाम किया था? मुझे क्या मालूम, मैं किसी स्कूल के इतिहास का टीचर हूँ जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बातें याद रखो? मेरे को नहीं मालूम। क्या बोला? हो सकता है मर मरा गई हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी भयानक शक्ल बता रही है कि तुम सब कुछ जानते हो। नहीं। बताओ, वरना एक झटका मारकर गर्दन की हड्डी को तोड़कर ये गलीज लाश नदी में फेंक दूंगा। बोलो, बताऊंगा तो नहीं फेंका? क्या सच बताओगे? तो बताता। मैंने कहा जो कुछ तुमने मुझसे कहा वही सब कुछ गांव की पंचायत के लोगों के सामने कहना होगा, और अगर जरा भी झूठ बोला
तो बाकी की बची हुई जिंदगी जेल की चक्की पीसते कट जाएगी। मैं चलती हूँ। चलो सरकार, वो मेनका को गांव वालों के सामने लाकर हमारा भांडा फोड़ने जा रहा है, हमारा कोल्हापुर शोलापुर सोनापुर बनाने जा रहा है, और अगर उस हरामजादी ने गांव वालों के सामने सच उगल दिया तो गांव वाले हमें मार मार के हमारे सर पे हमारे पाल का डिजाइन बना डालेंगे। लेकिन उसे मेनका का पता दिया किसने है? वो गली वो मोहल्ला किसने बताया उसे? मैं बताता हूँ अंकल। जब उसने पिताजी का गला दबाया तो पिताजी ने सब सच उगल दिया। मुनीम तुमने बताया? गद्दार तुमने? अरे ये तो भूसे से भरा हुआ शेर है, अगर ये असली शेर होता ना तो हम तुम्हें इसके सामने नाचने के लिए डाल देते। गधे की औलाद, इतना अहम राज बता दिया तुमने। मौत के डर से झूठ भी सच बनकर मुंह से निकल जाता है भिलासपुर की तरह। मगर मालिक कुछ कीजिए, उस मेनका को गांव आने से रोक दीजिए। शक्ति, तुम्हारा बाप तो बुजदिलों का सरदार निकला बल्कि मुर्दार निकला। बाप के नाम से कलंक मिटाने के लिए तुम्हें कुछ बहादुरी का सबूत दो, कोई अकलमंदी का काम करो। आप जो बोलो अंकल। मेनका और रवि को इस गांव में पहुंचने से पहले रास्ते में खत्म कर दो, बम से मार डालो उन्हें जलाकर उनकी राख को दरिया में बहा दो। जाओ। और मुनीम तुम रवि के बाप धर्ममूर्ति को उसकी पत्नी के साथ बिना फाटक की रेलवे लाइन पर ले जाके खत्म कर दो। तुम्हारा बेटा हमारी लंका में आग लगाना चाहता है, उसके बदले हम तुम्हारी जिंदगी जला डालेंगे। भैया ये क्या हालत बना रखी मेरे माता पिता की? अरे यही माता पिता। भूषण, तुम तो जानते हो कि मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती, इसलिए मेरी मदद करो प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुमको तुम्हारे प्रेमी के पास भेजकर तुम्हारे खूसक बाप को मजा चखाऊंगा।
बस रवि बस बस लो सुनो, गांव के लोगों की जिंदगी बरसों से बर्बाद करते आए और आज जब अपनी बारी आई तो बस रवि बस। ऐसे नहीं शेर सिंह, तुम्हें सजा देने के लिए, तुम्हारा फैसला करने के लिए ये जगह नहीं है। गांव के लोगों के सामने उसी चौपाल पर खड़े होकर जहां तुम आज तक लोगों का फैसला करते आए हो, उसी जगह पर तुम्हारा फैसला भी किया जाएगा। ले चलो इसे। अब मैं इसे नदी में फेंकने जा रहा हूं। मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहा और आज तो तुम्हारी जान भी लेना चाहिए, इसके बावजूद तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दो भाई। मुनीम जी अपने माँ बाप को जबरदस्ती बैलगाड़ी में बिठाकर बिना फाटक के रेलवे लाइन पर ले गए हैं। तुम इनका को पंचायत में लेकर पहुंचो, मैं वहीं पहुंचता हूं। तुम ही सारे फसाद की जड़ो। नहीं मैं कहा जड़ू, जड़ तो शेर सिंह है, मैं तो पत्ता हूँ। वो हिलाता था, मैं हिलता था, वो पाप कराता था, मैं करता था। तो तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? मैं तो कब से करने को तैयार हूँ, मौके नहीं मिल रहा था। आज तो मैं तुम्हारी पार्टी में हूँ। शेर सिंह मुर्दाबाद, रवि बाबू जिंदाबाद। चलो चलो तभी चलो ना। मैं अपना गुनाह स्वीकार करती हूँ। मैंने दौलत के लालच में और मौत के डर से शेर सिंह की हर बात मानकर धर्म मूर्ति जैसे सच्चे और ईमानदार आदमी पर गंदा इल्जाम लगाया, उनकी जिंदगी बर्बाद की। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। सुन लिया आप लोगों ने, 20 साल बाद आज आप लोगों को मालूम पड़ा कि सच्चाई क्या थी। अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि ऐसे इंसान को क्या सजा देनी चाहिए। अरे और क्या होना चाहिए, जिस रेलवे लाइन पर आज तक लोगों को लिटाते आए हैं वहीं पर इनको भी लिटा देना चाहिए। क्यों भाई लोग? ये मेरे पिताजी का गुनहगार है, इसका फैसला भी यही करेंगे। बोलिए पिताजी, क्या सजा देनी चाहिए इसको? भाइयों, एक इंसान को कोई हक नहीं कि दूसरे इंसान को सजा दे, यह ईश्वर का काम है। शेर सिंह, तुम आज तक लोगों पर जुल्म करते आए हो, अब तुम्हें लोगों पर रहम करना होगा, उन्हें प्यार देना होगा, गले लगाना होगा, यही तुम्हारी सजा है। धर्म मूर्ति, तुम वाकई धर्म की मूर्ति हो। तुमने मुझ जैसे जहरीले सांप को बख्श दिया। मैं समा के लायक तो नहीं, बस इतना एहसान मुझ पर कर दो, तुम्हारा बेटा रवि जो इस गांव का मर्द है उसे मेरा दामाद बनाकर मेरे कंधों से मेरे गुनाहों का बोझ उतारने में मेरी मदद करो दोस्त। मुनीम जी, आज हम बहुत खुश हैं। क्या? हमारी बेटी बहू बनकर इज्जतदार घराने में जा रही है। घराना तो पहले से इज्जतदार था, आपने पहचानने में देर की। पहले पहचान लेते तो मार खाते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं आना।